गेम ऑफ थ्रोन्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना आयरन है और आयरन खराब हो चुका है, तो आप पुराना पूरा आयरन फेंक के दूसरा आयरन खरीदने से अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका एलिमेंट चेंज कर दें। ठीक है, तो मैं नया 25 वाट का एलिमेंट ला चुका हूँ। ठीक है, और लॉकडाउन में वैसे भी आपको आयरन नहीं मिलना है, तो कोई ना कोई उपाय करके ही आपको काम करना होगा। तो आप क्या करें, पुराना का बीट निकाल लें। ठीक है, इस एलिमेंट को हटा दें। मैं आपको चेक करके दिखा दूँ कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के 2K के रेंज में लगा दीजिए, 2K या उससे ज़्यादा, क्योंकि लगभग 1K इसका रीडिंग आना चाहिए। जैसे मैं पहले अच्छा लगा चेक कराता हूँ। ठीक है, ये दो पॉइंट है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, देखिए 1.058, लगभग 1K इसका रीडिंग आ रहा है। पुराने वाले का देखिए कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, जिस पे क्वाइल लगा हुआ बस वहीं चेक करिए आप, कोई रीडिंग नहीं, इसका मतलब ये खराब है। ठीक है, अब आपका न्यूट्रल रेंज में लगाइए, तार चेक करिए। सीधा सीधा था वो तो क्वाइल खराब था, फिर भी आप तार चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे है एक तार में आ रहा है, दूसरा लगाया। ठीक है, दोनों ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तार को यहाँ से आप इन कराइए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा गांठ भी लगा सकते हैं, लेकिन गांठ लगा देने से आपको मुश्किल होगा, नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लॉक टाइप में कुछ भी आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप टेप कर दीजिए या फिर कोई चीज लपेट दीजिए अच्छे से, कोई तार पुराना कोई तार है तो आप उसको अच्छे से लपेट दीजिए। अंजाद से आप इसको बहुत ज्यादा ऊपर भी मत लगाइए, ना तो फिर दिक्कत करेगा आपको, बॉडी बैठ अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक हुआ या फिर और भी कोई गोंद हुआ आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, अब वैसे आप पुराना आयरन खोलिएगा, हल्का सा लगाइए फेविक्विक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो, अगर आप वैसे जब खोलिएगा तो एक लॉक मिलता है इसके अंदर रहता है, जो कि यहाँ है नहीं, इसके लिए मैं इस तरह लगा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, नए वाले में, ठीक है, यहाँ पे स्लीप किसी किसी में डाला हुआ होता है, किसी किसी में आपको खुद डालना होगा। ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे आप रंगा लगाइए अच्छे से, अगर रंगा नहीं लगता है तो आपको स्केच करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। आप में से बहुत दोस्त जानते होंगे, ये सब करते ही होंगे, लेकिन कुछ नए दोस्त हैं, उन्हें लोग के कहने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसको अच्छे से स्केच करें, क्योंकि थोड़ा सा भी कार्बन होगा, गंदगी होगा, तो फिर अच्छे से ये सोल्डिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको दूसरा यहाँ पे भी आप सोल्डिंग करें। ठीक है, तो एक लेग को आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दें और दूसरे लेग को यहाँ पे सोल्डिंग मजबूत करना होगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट होगा, या आपका जो आयरन है ऑलरेडी हीट होगा उस वक्त, तो यहाँ पे उतना हीट नहीं होता, लेकिन फिर भी हीट होगा, फिर भी उतना हीट होगा कि ये टूट सकता है। इसे सोल्डिंग बिल्कुल अच्छे से करें। जब हो जाने पर इसको थोड़ा सा मोड़ दें यहां से। ठीक है, मुड़ गया। अब आप चाहें तो कोई इंसुलेटर दोनों के बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे जरूरत है नहीं, यहाँ पे काफी है, यहाँ पे ऑलरेडी एक स्लिप दिया गया ताकि ये दोनों शॉर्ट नहीं होगा। अब इसको आप पीछे तरफ ऐसे खींचिए। ठीक है, पीछे तरफ आ जाने के बाद इसको अच्छे से होल के सामने ला के आपको कस देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
बीट आपको लगा देना है, ठीक है। बीट लगा के इसको जो लॉक है इसको आप आगे तरफ ऐसे पिला से धीरे धीरे एकदम आगे लाइए, ठीक है। उसके बाद आप उसको हल्का सा ऐसे दबा सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से नहीं दबाएगा तो हीट होने के बाद ये खुद नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, मैं एक बार आपको देख लेता हूँ ये हीट हो रहा है कि नहीं। आप एक चीज मैं आप कहूँगा कि आप एक बार बड़ी से जरूर इसको कंडक्टिविटी चेक करें, मैंने कंडक्टिविटी रेंज में लगाया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ जरूर चेक कर लें, यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है। किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। इसको करने के बाद ही आप सप्लाई में दें, ठीक है। अब मैं सप्लाई में लगा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये गर्म हुआ है कि नहीं गर्म हुआ है। इसको स्क्रेच कर सकते हैं जिस तरह भी आप स्क्रेच करना चाहें, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ हीट होने तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयरन हीट होना शुरू हो चुका है, ठीक है, देखें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।